नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए व्लॉग में। फिलहाल मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ से हम लोग नहा धोकर के सबसे पहले श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। 2024 में ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण में लगभग 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो अनुमान था कि इसकी लागत लगभग 400 करोड़ की आ सकती है, लेकिन 18 महीने बाद अब इसकी लागत 1800 करोड़ रुपए आ सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, श्री राम मंदिर के लिए बना है 400 किलो का ताला। ताला बनाने वाले कारीगर सत्य प्रकाश शर्मा ने प्रभात खबर को बताया कि 400 किलो का ताला और 10 फीट ऊंचा ताला अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए बनाया गया है। अभी यह ताला अलीगढ़ के नुमाइश के उद्योग मंडप में रखा गया है। ताले को पीतल के कवर के बाद फाइनल करके अयोध्या राम मंदिर को सुप्रीम भेंट करेंगे। दोस्तों, मेन मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम इस वीडियो के अंदर हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहां पर वीडियोग्राफी करना सख्त मना है। आपके जो फोन है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो मंदिर में जाने से पहले ही जमा कर लिए जाते हैं। दोस्तों, श्री राम मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े सरयू नदी नया घाट की ओर। वहां पर जाने के बाद काफी मनमोहक दृश्य हमें देखने को मिला। काफी सारे श्रद्धालु वहां पर भी मौजूद थे, आप लोग वीडियो के अंदर देख सकते हैं। अयोध्या तक यह नदी सरयू नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद यह नदी घाघरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। सरयू की कुल लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से होकर बहने से हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। सरयू का स्पर्श भगवान सुख का अनुभव देता है। वाल्मीकि रामायण में सरयू जल को गन्ने के रस की तरह मीठा कहा गया। सरयू जल का पान अर्थात पीना भगवान के गुणों को धारण करने की तरह होता है, इसीलिए यहाँ पर अपनी आस्था लेकर के अयोध्या में घूमने आए श्रद्धालु जरूर नहाते हैं। दोस्तों, अयोध्या श्री राम जी की नगरी है, तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर वानर सेना भी आपको देखने को मिलेगी। तो इन वानर सेनाओं से आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में ये वानर सेना आपके सामान को इस प्रकार से डैमेज कर सकती है। अपने खाने पीने के सामान के लिए आपकी बाकी जरूरतों की चीज़ों को भी ये नष्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनको भगाया जा रहा है। वीडियो के अंत में दोस्तों, मैं आपको सरयू नदी और नए घाट के रात्रि दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। कितना मनमोहक होता है, मन को मोह लेने वाला दृश्य अभी आप देखने वाले हैं। दोस्तों, भारत में लगभग 950 किलोमीटर बहते हुए बलिया और छपरा के बीच घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। निचली घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। गोंडा से अयोध्या और फैजाबाद के आसपास एक सरयू नदी और फिर आगे जाकर के घाघरा के नाम से इसे पुकारा जाता है। पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में सरयू नाम से इसका जिक्र है। सरयू नदी मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी से निकलती है। सरयू नदी तो बहुत बड़ी है,